हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मिली जुली किचन में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पोहा से मैं बहुत ही अच्छी बनाई हूँ। तो इस तरह से आप लोग बच्चे लोग को लंच दीजिए या फिर ब्रेकफास्ट जो भी है, बड़े लोग को भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं कच्चे आलू से और पोहे से बना रही हूँ। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैं दो आलू ली हूँ, इसे छिलका मैं उतार देती हूँ। और उतार कर मैं क्या करूँगी ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा तो रेसिपी आप लोग को समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आलू का छिलका उतार ली हूँ और उतार कर इसे कद्दूकस में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू को कद्दूकस कर रही हूँ और कद्दूकस करके इसे मैं पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, समझ में आएगी। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो गाइज, मैं एक बात आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर वीडियो लेट से भी जाएगी तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, इसलिए बेर कुबेर वीडियो जा सकती है, टाइम पर जाए या ना जाए एक दो तीन दिन, क्योंकि मुझे ऑपरेशन होने वाला है। इसलिए मैं आप लोग को पहले ही सूचना दे देती हूँ, क्योंकि गाइज मेरी बेबी आने वाली है तो इसलिए मैं सर्जरी से करवा रही हूँ, तो कल मेरा है। तो यहाँ पे वीडियो अगर लेट से जाएगी गाइज तो आप लोग सपोर्ट करना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करो और सपोर्ट करो। आप लोग के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करे हुए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और आप लोग के सपोर्ट रहा तो मैं बहुत आगे जाऊंगी, और सपोर्ट नहीं रहा तो कुछ भी नहीं करूंगी। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ पानी, गर्म हो गई है। इसमें डाली हूँ स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी यहाँ पे डाल दी हूँ मैं पाव भाजी मसाला, और बारीक धनिया पत्ता काट के डाली हूँ, और दो से तीन बारीक मिर्ची डाली हूँ। इसके बाद एक उबाल आने के बाद यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ सूजी, और सूजी के साथ मैं थोड़ी सी पोहा डालूंगी। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैं पोहा के पाउडर, पोहा को मैं पीस ली थी और पीस कर डाल रही हूँ। और जो मैंने आलू को कद्दूकस की हूँ वो भी मैं इसमें डालूंगी। बहुत ही एकदम टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो जाती है, और बच्चे लोग के लंच में भी बहुत आराम हो जाती है। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सब गर्मी में बच्चे लोग को बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गाइज, आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करो, और मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं हर बार बोलती हूँ वीडियो में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आलू डाल दी हूँ जो कद्दूकस की थी, इसको भी मैं तब तक चलाऊँगी जब तक एक डो रेडी नहीं होगी। और यहाँ पर इसमें तेल मसाला भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अभी गर्मी में तेल मसाला कम यूज कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो धीरे धीरे ये गैस का आँच जो है मीडियम में रखिएगा, हाई नहीं रखिएगा, क्योंकि हाई रखिएगा तो ये सड़ जाएगी, और मीडियम रखिएगा तो अच्छे से ये पक जाती है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इसका डो रेडी कर रही हूँ, और ये जो नाश्ता बनने वाली है बहुत पसंद आएगी सबको। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। और यहाँ पे इसे एक थाल में तेल लगा लेना है, और तेल लगा के जो मैं डो रेडी की हूँ उसे निकाल लेना है, और निकाल कर इसे फैला कर ठंडा होने तक छोड़ देना है। तो गाइस गर्मी में तो कुछ टाइम लगेगी ठंडा होने में, फैन के नीचे रख दीजिए तो जल्दी ये ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे 10 से 15 मिनट तक के फैन के नीचे मैं रख दूँगी तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इसे इस तरह से फैला देना है, और फैला के फैन तर एक आध घंटा के लिए छोड़ देना। तो देखिए इस तरह से इसे फैला देना है, और फैला कर इसे छोड़ देना है। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरह से इसे छोलने के से
अच्छे से प्लेन कर दिए हैं और करके इसे मैं छोड़ दूंगी। और आप लोग बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग को कैसे पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और बनाकर खाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और ऐसे ही मैं आप लोग के लिए मेहनत करती रहूँगी, सॉरी, और आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बहुत जाऊँगी। तो यहाँ पे हो गया है 10 से 15 मिनट हो गई है, फैन से मैं ले आई हूँ और इसे मैं कट कर रही हूँ। तो इसे कट करके इसे क्या करना है, आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल स्किप वॉच कीजिएगा। तो आप इसे किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, टोमेटो केचप हो या फिर ग्रीन चटनी हो या फिर रेड चटनी हो, किसी चीज़ के साथ इसे सर्व कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी। चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं बिना चटनी के भी, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मैं फ्राई करूँगी और कुछ मैं ऐसे ही सेक दूँगी। तो इसे मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का फरमाइश हुई कि मैं सेका नहीं खाऊंगी और इसे फ्राई करना है। तो मैं पहले तो वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही मतलब सेकूँगी। तो गाइज यहाँ पे बच्चे लोग का फरमाइश है कि मुझे क्रिस्पी ज़्यादा चाहिए, तो अगर ज़्यादा क्रिस्पी आप लोग चाहते हैं तो इसे आप लोग फ्राई कर दें, और नहीं तो इसे आप लोग तवा पे भी सेक सकते हैं मिर्ची उर्ची डाल के, तो बहुत ही अच्छे लगेगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पोहे और सूजी का रेसिपी जो है बहुत टेस्टी बन के रेडी हो गई है। मुझे तो बहुत पसंद आया, बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आया, मेरे घर में सबको पसंद आया। तो यहाँ पे मैं देखिए इसे ब्राउन होने तक के फ्राई करना है। तो देखिए ये मेरा फ्राई हो गया है, अब आप लोग बताएं कि इसे कैसी बनी है और आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं गाइस मेरा ये हो गया है, अब मैं दूसरा डालूंगी और मैं सारे डो जितना भी रेडी की हूँ सबको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो मैं तो फ्राई करने के मूड में नहीं थी, पर बच्चे लोग की फ्राइश हुई कि फ्राई करें, नहीं तो मैं इसे हल्का तेल डाल के और तवा पे सेकती, क्योंकि गर्मी इतनी है कि इसे फ्राई इस टाइम ज़्यादा नहीं खाने का मन करता है। इस टाइम ज़्यादा पीने का, जैसे हो गया काजू शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, ये सब पीने का मन करता है। तो उसका भी मैं रेसिपी डाली हूँ गाइज अपने चैनल पे, तो आप लोग को जो भी चाहिए मेरे चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं और बना सकते हैं। गर्मी का मज़ा लीजिए और खाते रहिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इसी तरह मैं मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।